अपने घर में एक बहुत अच्छी दवा है धनिया पत्ता। थायराइड की कोई भी बीमारी में सबसे अच्छी दवा धनिया पत्ता। धनिया पत्ते को चटनी बनाओ, गर्म पानी में मिला के पियो। थायराइड की 40-40 साल पुरानी बीमारी 25-30 दिन में ही ठीक कर देता धनिया पत्ता। थायराइड, जिनको थायराइड की तकलीफ है सबको आप बताओ धनिया पत्ते की चटनी गर्म पानी में पिए। चटनी कैसे बनाना, पीस लो पत्थर पे, मिक्सी में पीस लो, उसमें नमक मिर्च कुछ नहीं डालना, धनिया पत्ता सिर्फ। हाँ, और एक चम्मच चटनी आधा गिलास पानी, दो चम्मच चटनी एक गिलास पानी, इतना ही रोज पी लो सुबह खाली पेट। थायराइड की सारी बीमारी, हाइपर थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म और थायराइड से होने वाला मोटापा, ये सब मिटा देता धनिया पत्ता। ऐसे ही पुदीने का पत्ता है, पुदीने के पत्ते की चटनी त्वचा के किसी भी रोग में लगाओ, जैसे खाज है, खुजली है, दाद है, सोराइसिस है, इचियोसिस है, एक्जिमा है, सब में पुदीने के पत्ते की चटनी लगाओ, सब बीमारी मिटा देता। बड़े से बड़ा जले का दाग पुदीने के पत्ते की चटनी से मिट जाता, अद्भुत है ये। ऐसे ही अपने घर में नीम का पत्ता माने मीठा नीम हम समझते हैं कड़ी पत्ता जिसको कहते हैं, ये कड़ी पत्ता बहुत अद्भुत है वात के और कफ के सभी रोगों के लिए। बीपी बढ़ गया, कड़ी पत्ते की चटनी बनाओ, कड़ी पत्ता आप जानते हो गुनगुने पानी में पियो, बीपी एकदम नॉर्मल कर देता कड़ी पत्ता। मीठा नीम, कड़ी पत्ता जो सब्जी में डालते हैं हम, बीपी हाई है तो नॉर्मल करता, लो है तो नॉर्मल करता, खून अगर गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, पतला कर देता। हाँ, कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, ट्राइग्लिसराइड कम करेगा, अद्भुत है कड़ी पत्ता। छाछ में कड़ी पत्ता मिला के पीते रहो, जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी बीपी नहीं बढ़ेगा। छाछ में कड़ी पत्ता मिला के पीते रहो। ये सब अपने घर में है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, मैं सब वही कह रहा हूं जो हजारों साल से अपने घर में होके आई, बस हमारे ध्यान में नहीं है क्योंकि हम डॉक्टर के चक्कर में फंसे। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो, बीमारी से नहीं दवाओं से बचो, बीमारी से नहीं ऑपरेशन आदि से बचो, और ये घर में जो दवाएं हैं इनका उपयोग जल्दी ज्यादा से ज्यादा घरों में ये बात अगर पहुंच जाए तो 7 लाख करोड़ रुपए, 7 लाख करोड़ रुपए देश का बचेगा। ये है